ये मैं बिरयानी बना रही हूँ, उसमें जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो बताती हूँ आपको। ये है मिंट, पुदीने की पत्तियाँ कुछ, और धनिया पत्ती, थोड़ा ज़्यादा प्याज और हरी मिर्च, ये चारों को एक साथ ग्राइंड करना है। ये अभी मैं क्या है, जैसे बिरयानी में अक्सर कटे प्याज, कटी स्लाइस वाली और फ्राई करके बनाते हैं, ये पिसा वाला है। इसको कुछ हरी मिर्च मैं ऊपर से भी डालूंगी। अभी ये सब मैं ग्राइंड कर लूंगी, थोड़ा ही मिंट डालना है, और ये तीन प्याज हैं, और तो क्योंकि 2 गिलास चावल में तीन प्याज और ये धनिया पत्ती और ये, और ज़्यादा इसलिए नहीं, बच्चे नहीं खा पाते इसलिए ज़्यादा मैं मिर्च वाला नहीं बनाती, नहीं तो मिर्च वाला ही काफ़ी अच्छा लगता है। ये हो गया लहसुन, ये हो गया अदरक, गार्लिक लहसुन, ये दोनों को पीसना है ये गरम मसालों के साथ। ये भुना हुआ जीरा है, और ये है नॉर्मल जीरा, कुछ काली मिर्च, जायपत्री, स्टार फूल, और ये इलायची है, लौंग है, और क्या बोलते हैं, ये डोंडा इलायची है, ये पत्ते हैं, लकड़ी है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब एक साथ ग्राइंड होगी, पिसा हुआ गरम मसाला रहता है और इसमें अपन मिक्स करके ग्राइंड करते हैं, वो टेस्ट नहीं आता। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास पिसा रखा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा खड़ा करके और फिर एक साथ पीसने में एक अलग खुशबू, हर मसालों की इसके साथ खुशबू एक अलग ही आएगी, और काफ़ी खुशबूदार टेस्टी बनेगा बिरयानी। और ये है, ये जैसे अपन चावल को बॉईल करते हैं, मतलब हाफ कुक करते हैं, उसमें तेज पत्ता, इलायची, लौंग, थोड़ी सी ये मीठी लकड़ी, ये है सहजीरा, जीरा नहीं है, सहजीरा डलेगा, और उसमें ये चिलीज मैं उसी में डाल दूंगी एक दो, और वो एक जो चिलीज दिखाई थी वो उसको पीसना है। और ये टमाटर है, इसको पीस के नहीं डालना है, ग्राइंड करके नहीं डालना है, खड़े ही डालना है। और इसमें डालेगा दही, काफ़ी सारा दही डालता है, मैं बनाते हुए दिखाऊंगी, तो दही भी डालते हुए दिखाऊंगी, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डलेगा। ये चिलीज़ है पीसना है, और ये वाली चिलीज़ है जो खड़े डालना है, और ये सह जीरा है वो जीरा है। इस तरीके से देखिए पूरे मसाले हैं, और अभी मैं बनाऊंगी वो आपको दिखाते जाऊंगी। काफ़ी मज़े की, टेस्टी और अच्छी बनती है। आज ये चिकन ले आए थे तो सोचा कि आज बना ही देती हूँ बिरयानी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग मसाला खाते नहीं हैं, मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते, इसलिए हम लोग के घर सालन बहुत ही कम मसाले वाला बनता है, और ये भी बहुत कम मसाला है। इसमें भी पीसने के बाद अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो मैं हटा लेती हूँ, बहुत मसालेदार नहीं बनाती, क्योंकि आजकल काफ़ी कुछ बीमारियाँ चढ़ी इन मसालों से ही होती है, और बहुत कम ऑयल में ही बनाती हूँ मैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रख के तेल मसाला ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर माइक्रोवेव में बना सकूँ बिना ऑयल के, बिना मसालों के, ये देखती हूँ। तो और मैंने 2 गिलास राइस लिया है इसमें, और 1 बाउल मैंने लिया है दही, आपको मैं दिखाऊंगी बनाते बनाते, डालते तो देखिएगा। और ये चारों को एक साथ ग्राइंड करना है, और इनको एक साथ ग्राइंड करना है, अलग अलग इन दोनों को ग्राइंड करना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, इनको एक साथ और इनको एक साथ, और इनको अलग अलग बाउल में रख के, और फिर पहले अपन ये वाला पेस्ट डालेंगे, फिर इस ये वाला पेस्ट डालेंगे, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ ग्राइंड करके इनका पेस्ट। इसमें मैंने ऑयल और चिकन डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट टाइप से फ्राई करना है, काफ़ी अच्छा कलर आ जाए, थोड़ा अच्छे से भून जाए अंदर से, हाफ कुक हो जाए चिकन इस तब तक इसको भूनना है अच्छे से। जैसे ही होगा उसके बाद अपन मसाला डालेंगे, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ, हम लोग की बालकनी है, देखिए थैलियाँ रख दी हैं ऐसे, धूप में इतनी धूप आती है यहाँ पर। और मैं दिखाती हूँ आज जो सब्जियाँ लाए हैं नज्जू, वो आज खुद काट रहा है, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बिरयानी बना रही हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम हैं, बाकी ज़्यादातर हम लोग मोस्टली एक साथ दोनों ही सब्जियाँ काटते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ, मिल के ही हम लोग ज़्यादातर सब्जियाँ काटते हैं, अकेले नहीं काटती मैं। ये बंद करवा दी हूँ मैंने, मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आवाज़ नहीं आना चाहिए।
ये देखिए नज्जू सब्जियाँ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने बोल दिया है तो नज्जू खुद सब्जी तोड़ रहा है। और ये नायमा शीरिन टाइम पास कर रही हैं अपना। जल्दी से बिरयानी बना के और फिर मैं भी आके हेल्प कराती हूँ उनकी, हो जाता है तो। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके पहले मैं पूरा कर लूँ। हो सकता है तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी पूरा हो जाएगा। ये देखिए बड़े अच्छे से लीफ कट करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से, बिल्कुल सफाई से। लाल भाजी तोड़ रहे हैं, सीरिन की ख्वाहिश में आई हैं, उन्होंने पूरी किए हैं। सीरिन बहुत दिन से बोल रही है, कहना है कि वो बिरयानी की जगह लाल भाजी खाएगी, इसलिए मुझे जल्दी से तोड़ना पड़ा है। सीरिन बिरयानी की जगह में आज लाल भाजी खाओगी तो वो पसंद है बहुत, तुम्हारी ख्वाहिश से लाए हैं। उसने मुझे आज ऐसे इशारा करके बोली थी, उससे पूछो। सीरिन क्या बोली थी, बोलो बेटा। मैं काम करती हूँ, आज और बिजी हो जाती हूँ, लाल भाजी बना लेती हूँ तुम्हारे लिए, हम लोग बिरयानी का। हाँ तुम्हारी ख्वाहिश पे आई है। जो मुंह फूला था गुस्सा भी ठीक हो गई समर कैंप वाला। नहीं तो फिर वही नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुस्सा ठीक हो गया। नायमा बहुत बिजी हो आप, स्कूल जाने की तैयारी कर रही लगता है। हाँ स्कूल जा रही हो, ठीक है। चलिए मैं ले चलती हूँ बिरयानी के पास, कितनी बनी है ये देखिए, काफ़ी कुछ हो चुका है। इसी तरीके से इसमें मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि अपन जब बिरयानी बनाते हैं तो हल्दी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, वो मज़ा नहीं आता, हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं है। धनिया पाउडर का बिरयानी में भी कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें, चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं है तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं डाला है, और इसलिए आपको ये वाइट चिकन दिख रहा है। ये देखिए चिकन रोस्ट हो चुका है, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसमें जो गरम मसाले डाली थी, काफ़ी ख़तरनाक खुशबू आ रही है, दिल लुभाने वाली, सारे मसालों की किचन में बिल्कुल खुशबू गूंज गई है। और ये अनियंस और कोरिएंडर मिंट की ये मैंने ग्राइंड कर ली हूँ, ये हो गया पेस्ट। और देखिए अब मैं ये डालती हूँ मसाला, पहले ये डालना है, हल्का सा भुनना है, फिर इसको डालना है। चलिए मैं देखिए ऑयल में मैंने जिंजर गार्लिक और गरम मसाले का पेस्ट डाल दी हूँ, जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में डाल दिया, उसी में डाल देना है क्योंकि वो चिकन फ्राई किया हुआ का ही ऑयल है, इसलिए ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने उसी में डाल दिया है, और इसको हल्का सा 5 मिनट जैसे ऑयल में भूनना है ये मसाले को, इसके बाद आपको अनियंस का पेस्ट डालना है। ये थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला डालूंगी, मैं अलग अलग बिरयानी मसालों का टेस्ट करती रहती हूँ, जो ज़्यादा पसंद आता है फिर उसका ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए ये चुगदे का है, चुगदे जो है ये बिरयानी मसाला है रॉयल स्पेशल, अभी मैंने ये वाला डाली, इसमें काफ़ी खड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो जो एक और इस्तेमाल करती हूँ मैं सुहाना का, उसमें पूरे पिसे हुए रहते हैं, इसमें खड़े खड़े ज़्यादा रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी बस, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए मैंने अनियंस का पेस्ट डाल दी हूँ इसमें, और अब ये अनियंस को भी कच्ची है, मतलब अपने डाले हैं, जब तक ये थोड़ी इन मसालों में पक ना जाए तब तक 5 मिनट तक इसको भी भुनना है, उसके बाद इसमें हम चिकन डाल के और काफ़ी देर भुनेंगे मीडियम आंच में। ये देखिए मैंने इसमें राइस डाल दिया है, और ये सारे ड्राई मसाले डाल दी हूँ, चिलीज, इसमें ऑयल डाली हूँ थोड़ा सा, और केवड़ा जल डाल दी हूँ, और काफ़ी सारा नमक, अब इसको क्या है हाफ कुक करके और छान के और फिर डालना है मसाले में अपन को, तो ये हाफ कुक होते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैंने टमाटर और ये टोमेटो और दही डाल दी हूँ, इन दोनों को अच्छे से भुनूंगी मैं थोड़ी देर तक, और फिर इसमें डालेंगे चिकन उनको भूनने के लिए। ये दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है, फिर डाला है कि लम्स ना रहें, और इसमें अच्छे से मैं जब तक ये कच्चापन दही का ना चला जाए तब तक मैं अच्छे से इसमें दही को भूनूंगी, और टोमेटो भी बिल्कुल ना दिखे क्योंकि मुंह में आते हैं अच्छा नहीं लगता है। इसमें क्या पिसे नहीं डालते, नहीं तो मैं अक्सर बिरयानी में पीस के ही डालती, बच्चों के मुँह में
या नज़ों के मुँह में आते हैं तो पसंद नहीं करते, तो मैं ज़्यादातर पिसे यूज़ करती हूँ। बट अभी मैंने इसमें कट करके डाला है, बारीक कट किया है, और ये दही डाली हूँ। जब तक दही की एक कच्ची रॉ स्मेल ना चली जाए तब तक मैं इसको कुक करूँगी, और फिर इसमें चिकन डाल के और काफ़ी देर भुनना है मीडियम। दही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ डालूँगी नहीं उसमें। मैं डाल रही हूँ दही में भुना हुआ जीरा, जो कि मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, लगता रहता है, ये काफ़ी टेस्ट देता है इसमें। कभी भी दही बनाना हो आपको रायते के हिसाब से, ज़्यादा कुछ डाल नहीं रही हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक इसमें, और ये कुछ बुनिया डाल दूँगी। बुनिया तो हर बार लगता है हम लोग को दही में, और कुछ धनिया पत्ती डाल दूँगी इसमें। दिखाती हो चुका है मसाला अच्छे से, अब मैं ये चिकन डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से चला दूँगी ऐसे मिक्स करके, और इसको मीडियम आंच में काफ़ी देर भुनना है, जब तक अच्छे से मसाला इन चिकन के पीसों में ना भीग जाए, अंदर चले जाए, तब तक इसको मीडियम आंच में, और हो सके तो ढक के भी आप इसको काफ़ी देर भुनना है। मतलब 10 मिनट तो भी कम से कम, 10 मिनट से ज़्यादा भी हो तो अच्छा है, मीडियम आंच में इसको भुनना है। मैंने डाल दी हूँ धनिया पत्ती, ये देखिए सेंधा नमक, बूंदी, इसमें भी काफ़ी टेस्टी लगता है, इसमें भी काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और बिरयानी के साथ तो सिंपली तरीके से, बच्चों को वैसे भी अभी ज़्यादा कुछ देना नहीं है, मैं ऐसा बनाती हूँ कि ज़्यादा दही और सबकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए ये रेडी हो चुका हमारा दही भी, और बिरयानी भी बस रेडी होने वाली है। अब मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया है थोड़ा सा जो लिया था, और ये आपको दिख रहा है टोमेटो के छिलके, ये सारे मैं निकाल दूँगी, ये लुक ख़राब करते हैं और वो दिखते हैं तो मज़ा नहीं आता, फिर मुँह में क्या है खाओगे तो वो ज़्यादा वो मुँह में आते हैं, तो मैं इनको हटा दूँगी पूरे एक एक करके, सारे निकाल दूँगी। इसको छान लिया है राइस को, और अब मैं इसको उसमें डाल दूँगी, मसाला भी बिल्कुल ये देखिए भून चुका है, मैं डाल देती हूँ। ये देखिए चावल को डाल दी हूँ, अब इसमें हल्का सा केवड़ा जल और कलर डाल देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा केवड़ा जल डाल दी हूँ और येलो फूड कलर, आज मैंने सिंगल कलर ही डाला है, काफ़ी सुंदर और अच्छा दिख रहा है, काफ़ी टेस्टी बनता है, आपको दिखाऊंगी मैं आगे वीडियो में, काफ़ी लजीज अच्छा रहता है। बस ये रेडी हो गया, मेरा काम यहाँ से फिनिश होता है। अब मैं उधर देखिए काफ़ी अच्छा बना है, अलग अलग बिल्कुल दाने हैं, बहुत लजीज खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए येलो फूड कलर डाल दी थी मैंने, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, देखिए काफ़ी अच्छी बिरयानी बनी है, आप देख सकते हैं। ये मैंने रेडी कर लिया है, अब हम सब बैठ के बढ़िया खाएंगे और मज़े से बच्चों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।